सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम अभिमन्यु मेरा नाम और मेरे साथ आज यहां पर यानी कि स्टूडियो में वो हैं जिनकी मुझे तब से दरकार थी कि ये कब आएंगे, कब मैं इनसे पूछूंगा जो इतने सारे सवाल मैंने इनसे पूछने के लिए रखे हैं। वेल, मेरे साथ यहां पे द ओरिजिनल संदीप सिंह एंड द डायरेक्टर फॉर द मूवी सुरमा मिस्टर शादले। भाई सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो ट्रेलर है वो जबरदस्त है और पूरी उम्मीद है मुझे कि मूवी भी जबरदस्त होने वाली है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये जो कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर जो रियल लाइफ आप रहे हैं, जो आपकी स्ट्रगल रही है, जो लाइफ रही है, वो दिलजीत प्ले कर रहे हैं, तो कितना आप उनके साथ स्ट्रिक्ट थे? ऐसा तो नहीं छड़ी लेके खड़े थे कि दिलजीत सही से ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं बहुत कूल कोच हूँ मैं ज्यादा मतलब देता नहीं हूँ दिक्कत, क्योंकि ट्रेनिंग जो मैं देता था वो परफेक्टली होती थी और उनको बड़ा मजा आता था ट्रेनिंग में। पर आपको पता, छड़ी लेने की जरूरत नहीं, मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ ना, मैं खुद ही घबरा रहा हूँ अगला सवाल पूछो या ना पूछो। शायद सर, इट हैज, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी व्हाइल डायरेक्टिंग दिस। या वेरी प्रोबब्ली द बेस्ट आई हैव हैड इन एनी फिल्म सो फार। सो मैं चाहता हूँ पूरा देश इस इंटरव्यू से ये देखे, ये जाने आपकी जबानी कि ये पूरी स्टोरी जो थी ये आपकी रियल लाइफ में क्या थी, कहाँ से हॉकी की शुरुआत हुई? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि, सुना क्या है, मतलब मैंने ट्रेलर में भी देखा है कि एग्जैक्टली आप हॉकी खेलना नहीं चाहते थे, बट वो एक मोटिवेशन मिली तो आपने हॉकी को प्रॉपरली खेलना स्टार्ट किया। क्या ये वाकई में ऐसा है या सिर्फ फिल्म का ये पात्र है? एंड सेकेंडली, जब गोली लगी उसके बाद का वो कमबैक कितना डिफिकल्ट था? बिगनिंग थी जो हॉकी खेलने की, तो वो ऐसे थे कि रियल ब्रदर विक्रम पाजी, जो जिनका रोल अंगद पाजी कर रहे हैं प्ले, तो उन्होंने जब हॉकी खेलनी शुरू की तो मुझे था कि मतलब मैं वेरी लेजी गाय, छोटा मतलब बच्चा मम्मी के पास ही रहने वाला, तो जैसे पंजाबी में होता है ना, मम्मी दी मादा पहुंचा। सो वैसा था, लेकिन जब मैं भाई को देखता था तो मुझे होता था कि यार इसको हॉकी स्टिक मिल रही है, इसको सामान मिल रहा है, तो मैं भी करूँ, तो वो थोड़ा सा शुरुआत होती है। Correct. तो वो चीज़ शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी सीरियसनेस नहीं थी, बस एक ठीक है मज़े चल रही है लाइफ, लेजी था मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकली, जिसमें आपने ट्रेलर में भी देखा हो कोच मार रहा है, वो सब थोड़ा उस तरीके का था। लेकिन जब मैं सीरियस होने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पास एक ऐसा टारगेट आया कि लाइफ में हर इंसान को कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड आता है जिसको एक कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होती है, प्यार होता है, तो उस तरीके का मेरी लाइफ में आया। तो मैंने जब वो चीज टारगेट को देखा तो मैंने कहा कि वो इंडिया लेवल के खिलाड़ी, मैं मतलब ऐसी गलियों में या मतलब ग्राउंडों में खेल रहा हूँ, उसको जब मुझे मैनेज करना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर होता है कि अगर मैं किसी को देखूँ, किसी को कोई बड़ा लेवल का है, तो मुझे भी उस लेवल को पहुँचूँ, तभी मैच होता है। हमारे नॉर्थ में क्या होता है कि अगर कोई बहुत बड़े लेवल का है तो उसको वहाँ या तो उसके लेवल तक पहुँचो या अपने लेवल तक की बात करो, तो मेरे लेवल तक का तो कोई है ही नहीं था, मुझे उसी लेवल तक पहुंचना था। तो उस लड़की के लिए मेरे को माइंड में आया कि अगर मुझे उसको पहुंचना है उसके तक, तो मुझे उसके जैसा बनना होगा। तो इंडिया खेला, इंडिया खेलने तक का जो सफ़र था भाई और लड़की का पैरलर चला, देन उसके बाद फिर जो इंसिडेंट होता है गोली का, गोली के बाद बहुत डिफ़िकल्ट था कम बैक करना, बिकॉज ऑफ मॉम डैड और ब्रदर के और जो हमारी फैमिली है उनके कारण मैं दोबारा फील्ड पे आ सका। लेकिन जो वो समा था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो एक बार ऐसे बोल दिया था कि ये खेल नहीं पाएगा। फिर उनकी टीम आती है एक दिन मेरे रूम में, टीम आती है तो वो बोलती है कि सिर्फ संदीप से हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ 6-7 डॉक्टर्स की टीम होती है, वो आते हैं, आते ही वो बोलते हैं कि आप हॉकी तो आपके माइंड से निकाल दो, चल भी नहीं सकते हो अगले 6 साल। तो मेरा स्ट्रेट वे एक ही जवाब था, आई डोंट वांट टू लिसन एनी नेगेटिविटी, आप जा सकते हैं बाहर। उसके बाद से भाई और मैं और डैड ने, हमने कैसे वो प्लानिंग करके भी इसको कैसे खड़ा किया जाए, डे बाय डे अब्रॉड जाता हूँ, रिहैब करता हूँ, फिर भी माइंड में रहता है कि यार मतलब मुझे इंडिया की टीम के लिए कैसे वापस आना है। मतलब कहीं हद तक ऐसा था कि मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत बड़े सवाल होते हैं, ये छोटा नहीं है कि मतलब बोल दिया रिहैब करने जाना तो पहुंच गए रिहैब करने। मतलब ठीक है आपको, मतलब मैं 32 साल का हूँ, 32 साल की एज की जो मेरी लाइफ है वो 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में हम उस तरीके से दिखा रहे हैं कि लोगों को समझ आ जाए वो कि एक्चुअली में क्या हुआ, लेकिन जो रियलिटी है, जो रियलिटी में हुआ है, वो दर्द और वो समा निकालना बहुत मुश्किल था।